हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजमाने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। BMPS 2023 का वीक 2 संडे 3 दिसंबर को कंक्लूड हुआ। वीक 2 के रेड ग्रुप के मैचेस के डे 1 यानी कि 1 दिसंबर को पैच 2.9 के अपडेट की वजह से पोस्टपोन किया गया। उस दिन खेले जाने वाले 5 मैचेस को रीशेड्यूल कर दिया गया। अपडेटेड शेड्यूल में 2 दिसंबर को 8 मैचेस और 3 दिसंबर को 7 मैचेस हुए। आइए देखते हैं वीक 1 और वीक 2 के ब्लू और रेड ग्रुप के मैचेस के बाद क्यूमुलेटिव पॉइंट्स कैसे रहे। फर्स्ट पोजीशन पर आए ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स विद 74 फिनिश पॉइंट्स, 86 पोजीशन पॉइंट्स, 40 बोनस पॉइंट्स और टोटल 200 पॉइंट्स। सेकंड पोजीशन पर आए टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स विद 69 फिनिश पॉइंट्स, 90 पोजीशन पॉइंट्स, 35 बोनस पॉइंट्स और 194 टोटल पॉइंट्स। और थर्ड पोजीशन पर आए टीम इनसेन ईस्पोर्ट्स, 63 फिनिश पॉइंट्स, 92 पोजीशन पॉइंट्स, 35 बोनस पॉइंट्स और 190 टोटल पॉइंट्स के साथ। बाकी टीम्स के स्टैंडिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। BMPS 2023 के वीक 2 के इन डेप्थ हाइलाइट्स जानने के लिए पेंटा शॉट्स पर हमारा कवरेज जरूर देखिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। साओ पाउलो ब्राजील में संडे 3 दिसंबर को वैलोरेंट गेम चेंजर्स चैंपियनशिप 2023 समाप्त हुई। बेस्ट ऑफ 5 ग्रैंड फाइनल्स में शॉपिफाई रेबेलियन ने टीम लिक्विड को 3-2 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। कन्वर्जेंस इंडिया क्लोज क्वालिफायर्स संडे 3 दिसंबर को कंक्लूड हुए। बेस्ट ऑफ 5 फाइनल्स में ट्रू रेपर्स ने रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को 3-2 की स्कोरलाइन से हराकर मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रायट गेम्स ने कन्वर्जेंस के मेन इवेंट में खेलने वाली 5 इनवाइटेड टीम्स को अनाउंस किया है। वो टीम्स हैं फ्यूरिया, जेनजी, फुटी स्पोर्ट्स, टीम वाइटालिटी और ग्लोबल स्पोर्ट्स। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 फाइनल्स ड्रीमहैक अटलांटा यूएसए में होस्ट होंगे फ्रॉम दिसंबर 15 टू दिसंबर 17। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के अलग अलग रीजन से 16 टीमें खेलेंगी। इंडिया से गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और टीम वाइटालिटी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। लास वेगास यूएसए में हुए ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 में SATL ने कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। SATL की दूसरी बारी है ईस्पोर्ट्स अवार्ड्स में अवार्ड जीतने की। ईस्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में उन्होंने कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। इस साल भी नमन मॉटल माथुर को ईस्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड जीता डिसगाइज दोस्त ने। 2 दिसंबर को फ्री फायर इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन पेज गूगल प्ले स्टोर से डिसअपेयर हो गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कमेंट्स में जरूर बताइए। तन्मय महात्रे ने एक पेटिशन शुरू की थी जिसमें उन्होंने SATL ईस्पोर्ट्स से मांग की कि वो एक वैलेंट रोस्टर क्रिएट करें। SATL ईस्पोर्ट्स और 8bit क्रिएटिव्स के को-फाउंडर लोकेश जैन AKA 8bit गोल्डी ने उस थ्रेड पर रिप्लाई करते हुए कहा कि लाइनअप क्रिएट करके डिस्बैंड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये बेस्ट ऑनेस्ट आंसर है। ओए फ्रॉस्ट, तू भी तो वैलेंट रोस्टर शुरू करने वाला था ना, क्या हुआ उसका? हां बनाया ना मैंने, तो उसका क्या हुआ फिर? डिस्बैंड कर दिया। क्यों? अब गोल्डी भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? गोल्डी भाई चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर यानी कि CPO के न्यूली एस्टैब्लिश्ड रोल में रायट गेम्स के को-फाउंडर और फॉर्मर CEO मार्क मेरिल रायट गेम्स के सारे प्रोडक्ट्स के इकोसिस्टम्स को ओवरसी करेंगे। CPO के रोल में मार्क हर गेम के सराउंडिंग इकोसिस्टम के विजन को लीड करेंगे और रायट में लीग, वैलोरेंट, टीम फाइट टैक्टिक्स, वाइल्ड रिफ्ट, लेजेंड्स ऑफ रनतेरा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फ्यूचर पाथ्स को सॉलिडिफाई करने में मदद करेंगे। इंडिया बेस्ड एंटरटेनमेंट और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लोको ने अपने टोटल वर्कफोर्स के 36% को यानी कि 40 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। एक लिंक्डइन पोस्ट में लोको के फाउंडर अनिरुद्ध पंडिता ने इस डिसीजन के पीछे का विचार एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि उनके स्ट्रेटेजिक रिव्यू के मुताबिक वो लोको के ट्रांजैक्शन बेस्ड मोनेटाइजेशन की अर्ली सक्सेस में लीन इन करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसकी वजह से कंपनी को लीनर ऑपरेशन स्ट्रक्चर के साथ काम करना होगा और इसकी वजह से उनको अपने टीम मेंबर्स से वेज पार्ट करने पड़े। ये डिसीजन कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योर करने के लिए लिया गया है और साथ ही ये डिसीजन एक हैवी हार्ट से लिया गया है। 5 दिसंबर को रॉकस्टार गेम्स ने अपने लॉन्ग अवेटेड गेम GTA 6 का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये गेम 2025 में रिलीज हो जाएगी। ट्रेलर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन अदर GTA न्यूज, रॉकस्टार गेम्स की ग्रैंड थेफ्ट ऑटो द ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन नेटफ्लिक्स के मोबाइल ऐप पर दिसंबर 14 को आ रही है। GTA द ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन GTA 3, GTA Vice City एंड GTA San Andreas का डेफिनेटिव एडिशंस इंक्लूड करेगा। पेंटा पॉडकास्ट का 7th एडिशन जिसमें हमने बात की है कि व्हाट इज इट लाइक टू बी अ शाउटकास्टर इन इंडिया, हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देखिएगा जरूर। इसी के साथ ईस्पोर्ट्स इन 5 का ये एपिसोड समाप्त हुआ। क्या हमने कोई खबर मिस की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।
आप हमें लोगों को और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ईस्पोर्ट्स के बारे में अगर और बातचीत करनी हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट कीजिए। इसी के साथ मैं कहूंगा आपसे गुड बाय और मिलूंगा अगले हफ्ते।